अस्सलामुअलैकुम। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, सलामत रखे, हमेशा आबाद रखे। वीवर आप देख रहे हैं RM डिश इन्फो। वीवर आज मैं अनबॉक्सिंग करने लगा हूँ स्टार सेट के मॉडल SR 335 HD। ये बॉक्स है और कमाल का रिसीवर है। आपको पता स्टार सेट के मॉडल काफ़ी अच्छे होते हैं। अभी मैं इसकी अनबॉक्सिंग करता हूँ और उसके बाद आपको TV पर इसका मैन्यू भी चेक करवाऊंगा। वीडियो की तरफ जाने से पहले आपसे वही रिक्वेस्ट कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो को लाइक भी कर दिया करें और शेयर भी कर दिया करें। लाइक करने के पैसे नहीं मिलते। व्यूअर आप इसमें 15 मंथ तक चैनल देख सकते हैं जिनके रंग चेंज होते हैं और 1 साल तक बगैर डिश के चैनल भी देख सकते हैं। कमाल का बॉक्स है, 8000 चैनल स्टोर कर सकता है, 4000 इसमें आप फ्रीक्वेंसियां भी ऐड कर सकते हैं, 109 सैटेलाइट ऐड कर सकते हैं। H 265 है, HEVC YouTube बिल्कुल इस पर ओके है और भी इसमें काफ़ी आपको चीज़ें मिल जाएंगी। GM स्क्रीन इसमें है और 4G है, 2 USB पोर्ट दी गई हैं। तो इसकी मैं अनबॉक्सिंग कर लेता हूं और फिर उसके बाद आपको TV पर इसका मेन्यू भी चेक करवाऊंगा। तो यहां से आपने इसको कर लेना जी ओपन। जैसे ही आप ओपन करेंगे उसके बाद हम इसका बॉक्स भी चेक कर लेते हैं कैसा है। तो ये मैंने इसकी पैकिंग में से इसको मैं निकाल लेता हूँ। तो ये मैंने उतार लिया है। अब इसके ऊपर से मैं जो इसके कपड़े वो उतार देता हूँ पैकिंग वगैरह और देखते हैं कि इसके अंदर से एक बॉक्स कैसा आपको देखने को मिलता है। तो ये जैसे ही मैंने इसकी पैकिंग वगैरह निकाली तो ये देखें व्यूअर, ये इसका बॉक्स है और ये नीचे वाली साइड भी आप चेक कर लें, ये साइड वगैरह। अब इसके फ्रंट पे आप देख सकते हैं कि तकरीबन 4-5 बटन हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं और सामने ये पोर्ट भी दी गई है। और इसकी जो दूसरी साइड है यहाँ पर आपने तार लगानी है डिश की, HDMI लीड लगानी है, USB पोर्ट दी गई है और इसमें डायरेक्ट नेट का भी ऑप्शन है, RS232 केबल है, ऑडियो वीडियो का भी इसमें ऑप्शन है, आवाज़ भी ज़्यादा कर सकते हैं और ये इसका ऑन ऑफ का बटन है, ये सील भी चेक कर लें। कमाल का बॉक्स है, बहुत ही प्यारा बॉक्स है और मेमोरी भी इसकी काफ़ी अच्छी है। किसी ने बाय करना हो तो मेरा नंबर आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा। ये दिखाने का मकसद यही होता कि आपको पता चले कि इसमें क्या कुछ मिल रहा है ताकि जहाँ से भी लें आपको पूरा सामान मिले। तो व्यूअर 2 रिमोट मिलते हैं इसमें, दोनों ही रिमोट एक जैसे हैं और बहुत ही अच्छी क्वालिटी के हैं। पहले की नस्बत थोड़े से स्लिम कर दिए गए हैं और HDMI लीड भी आपको मिल जाती है, साथ वाईफाई एंटीना भी मिलता है, ये भी चेक कर लें। और रिमोट के लिए सेल भी कंपनी देती है साथ, आपको ये चेक कर लें। और इसमें ये एक छोटी सी थैली होती है, इसको आपने ज़रूर इसमें रखना है, जो इसको नमी से महफूज रखती है। अब तो व्यूअर चलते हैं TV की तरफ। सबसे पहले मेन्यू में चलते हैं और ये इसका मेन्यू है, ये चेक कर लें और उसके बाद मैं आपको और भी चेक करवाता हूँ। बहुत ही शानदार इसका मेन्यू है। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी सेटिंग में लेके चलता हूँ। तो ये इसकी सिस्टम सेटिंग है, बहुत ही अच्छी आ गई है और डिज़ाइन भी बहुत ही आला है, परफेक्ट है, खूबसूरत है, दिलकश है। तो आप यहाँ से कोई भी चेंज कर सकते हैं ऑप्शन और बहुत ही खूबसूरत मेन्यू है। ये इसकी OSD सेटिंग है, ये भी आप चेक कर लें। ये इसका CHMX सेटिंग है, ये पहले ऑफ होता है, आपने इसे ऑन कर लेना है। और यहाँ से आपने लॉक लगाना है, यहाँ से कलर भी सेट कर सकते हैं। और ये 3G वाईफाई और
कि यहाँ से आप डायरेक्ट लैन की भी सेटिंग कर सकते हैं। टाइम जो है और जेस का अबाउट SOTB है, तमाम तफसील आपको इस बॉक्स की इसमें मिल जाएगी। और ये इसका होम है, तो यहाँ से आप कोई भी चैनल कर सकते हैं एडिट। तो ये देखें, यहाँ से आप कोई भी चैनल डिलीट कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, लॉग लगा सकते हैं, नाम भी कर सकते हैं, ये सभी इसमें ऑप्शन हैं। और इसी तरह आप रेडियो के चैनल भी कर सकते हैं, और यहाँ से आप चैनल अपने रिसीवर में सेव कर लें, और जब कभी फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट कर लें तो फिर दोबारा आप इधर से स्टोर कर सकते हैं, ये भी इसमें ऑप्शन है। कलर भी आप इसमें चेंज कर सकते हैं। और ये इसकी इंसुलेशन है, एंटीना सेटिंग है। यहाँ से आप कोई भी नई सैटेलाइट ऐड करना चाहें तो आपने ये ऐड पे ओके करना है, और यहाँ से आप कोई भी नई सैटेलाइट लिख सकते हैं। जैसा कि मैं 38 लिख लेता हूँ पाकसेट की, तो यहाँ से मैं उसको कर दूँगा सी बैंड। तो ये देखें व्यूअर, ये सैटेलाइट भी आ गया। इसी तरह आप इसको नाम भी देना चाहें तो नाम भी लिख सकते हैं। तो पहले जो लिखाई है आपने उसको कर लेना बैक, और उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे पाक सेट। तो आप नाम कोई भी लिख लें, नाम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, डिग्री बिल्कुल इसकी एंगल जो होती है सैटेलाइट की वो होनी चाहिए। तो ये देखें, नाम भी आप दे सकते हैं। और इसी तरह हम कोई चैनल भी मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो ये मैंने इच्छा सेट 7 कर ली सेट, और ये फ्रीक्वेंसी भी मैंने सैटेलाइट की कर ली है सैटेलाइट, और स्विच भी मैंने लगा लिया है। तो ये देखें, अब इधर से भी चेंजेस हो गई काफ़ी। और उसके बाद यहाँ से आप जे इसके ऐप वगैरह हैं, टाइम सेट कर सकते हैं, यूट्यूब और USB, ये भी देख लें, ये भी काफ़ी चेंज हो गई है। और जे इसके ऐप हैं तो ऐप भी आप चेक कर लें, यूट्यूब बिल्कुल उस पर वर्क है, और DLNA का भी इसमें ऑप्शन है, आप इसको अपडेट भी कर सकते हैं इधर से, ये भी चेक कर लें। आप इधर से सादे भी देख सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। ये नेटवर्क सेटिंग है। तो ये छोटी सी वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी।